खेती के लिए काम हो रहा है? अब देखिए, जब कभी चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति जो हों, उपराष्ट्रपति या कोई भी हो, तो ये लोकतंत्र की खूबी है, उत्सव के रूप में इसको मनाते भी हैं और भाग भी लेते हैं। तो आज ये मौका ऐसा पूरे मुल्क के अंदर हमारे देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं, जो उत्साह आपको यहाँ नजर आ रहा है वो पूरे मुल्क के अंदर है, ये हमारी खूबी है। और मैं समझता हूँ कि नए राष्ट्रपति जल्दी मिलने वाले हैं देश को, मेरी बहुत पहले एडवांस में बहुत ही बधाई है, शुभकामना रहेगी। सर, बहुमत यूपीए के साथ नहीं है संख्या में, वो तो लड़ी, मैंने पहले भी कहा ये लड़ाई कोई उम्मीदवार को लेके नहीं होती है, ये लड़ाई विचारधारा की भी है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा जी को अपना उम्मीदवार बनाया विपक्ष का, और मैंने पहले भी कहा अगर एनडीए गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी चाहती तो उनके सामने एक ऐसा मौका आया था 5 साल के बाद में, तो वो विपक्ष को इन्वॉल्व करती, बातचीत करती और कोशिश करती कि राष्ट्रपति पद जैसे पद के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार सामने आए और बेहतर होता हुआ, और जल्दी से होता नहीं है। एक बार भी छोड़ के हमेशा 15 बार लगातार चुनाव में एक बार भी छोड़ के हमेशा कोई भी सामने आए हैं, तो ज़्यादा इसको बैठ करने का विषय नहीं होना चाहिए। लड़ाई मैंने कहा विचारधारा के आधार पर है और उसी रूप में हमें इसको उसी स्पीड में लेना चाहिए। सर, अभी कटारिया उम्मीदवार राष्ट्रपति के हलवा जी को बनाए मार्केट है। हाँ, वो तो देखिए, वही मैंने कहा वही बात लागू होती है उपराष्ट्रपति के लिए भी, जो बातें मैंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कही है वही बातें लागू हो रही है उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो राजस्थान से वो उम्मीदवार बने हैं, जैसे एक बार भैरू सिंह जी शेखाव साहब बने थे, तो नेचुरली जिस राज्य का बनता है उम्मीदवार उस राज्य में तो वेलकम तो होता ही है, तो उस रूप में लेना चाहिए। एक राज्य का उम्मीदवार बना है तो यहाँ के लोगों में भावना हो सकती है, और जो वोटिंग होगा उसका पैटर्न तो वही रहेगा कि विचारधारा की लड़ाई है, जो मैंने कहा आपको राष्ट्रपति जो उम्मीदवार के लिए बात लागू रहे। अलवा जी भी राजस्थान की राज्यपाल रही हुई है, दोनों ही प्रत्याशी उपराष्ट्रपति में तो राजस्थान से जुड़ाव वाले। जुड़ाव की बात छोड़िए, ये आप कह सकते हो पहली बार आजादी के बाद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो अध्यक्ष या चेयरमैन हैं वो दोनों राजस्थान से हैं, ये आप कह सकते हो, ये सुगंध संयोग है भी।